जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बीजी पर लाइव प्रोजेक्ट देख रहे हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत। आज की क्लास में हम लोग चार चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, बीजी में अकाउंट को कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़, बीजी में अकाउंट के ग्रुप को कैसे बनाते हैं। तीसरी चीज़, बीजी में आइटम को कैसे बनाते हैं। और चौथी चीज़, बीजी में आइटम के ग्रुप को कैसे बनाते हैं। आपने ये सारी चीज़ टैली में भी स्टडी कर चुका होगा, बस थोड़ा सा नाम वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। जहाँ पर हम बिजी में अकाउंट बोल रहे हैं, टैली में उसको आप लेजर बोलते थे, और जहाँ बिजी हम अकाउंट ग्रुप बोल रहे हैं वो हमारा लेजर का ग्रुप होता था। और बिजी में जिस आइटम को टैली में भी इसको स्टॉक आइटम के नाम से जाना जाता है, और जो आइटम का ग्रुप है वो स्टॉक ग्रुप होता था। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, कुछ शॉर्टकट की चेंज हैं, कुछ चीज़ें बदल गई हैं, बस बाकी जो अकाउंटिंग हम टैली पर करते थे सेम ऐसे अकाउंटिंग हमको बीजी पर भी करना है। और मेरे समझने के हिसाब से टैली से भी इजी सॉफ्टवेयर जो है हमारा बीजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीजी पर कैसे काम करना है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, और वह एग्जाम्पल ये इनवाइस है। तो सबसे पहले इस इनवाइस को ध्यान से समझें कि इस इनवाइस में कहाँ से कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट चीज आपको ये समझना है कि यहां पर आप देखें तो ये लिखा है लक्ष्मी एजेंसीज। तो लक्ष्मी एजेंसीज हमारा सप्लायर हो गया, यह एक परचेज इनवाइस है। तो लक्ष्मी एजेंसीज में सप्लायर हो गया, और ये उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, उसका एड्रेस, GSTIN, स्टेट, बाकी सारी चीजें, ये हमारी सप्लायर की इंफॉर्मेशन हो गई। ये हमारा इनवाइस नंबर है। ठीक, ये तो मेरी कंपनी का नाम हो गया और मेरी फर्म का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब हम लोग को जानना है कि इस इनवाइस में स्टॉक आइटम कहाँ है। तो चलिए, ये जो चीज़ें हैं वो हमारी कंपनी की स्टॉक आइटम है। जैसे मैंने बताया MS राउंड बार, ये हमारा क्या है, एक स्टॉक आइटम है। राउंड बार 10 mm, ये भी एक प्रकार का स्टॉक आइटम है, और ये हमारा तीसरा स्टॉक आइटम है। इस प्रकार इस इनवॉइस में तीन स्टॉक आइटम है। ये इन सारे आइटमों के HSN कोड दे रखे हैं, ये उन सब की क्वांटिटीज दे रखी है, ये यहाँ पर इन सब के रेट दे रखे हैं, और यहाँ पर उसकी अमाउंट दे रखा है। और इन जो अमाउंट का टोटल है ये हमारा कहलाता है टैक्सेबल अमाउंट। जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स अप्लीकेबल होता है वह अमाउंट हमारा टैक्सेबल अमाउंट कहलाता है। ये हमारा सेंट्रल टैक्स है, जिसको हम कॉमनली CGST के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा SGST है, इसको हम स्टेट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा राउंड ऑफ है। ठीक है, और ये इनवाइस की टोटल वैल्यू होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना है। तो ये तो हमने आपको इनवाइस समझा दिया। अब इस इनवाइस की एंट्री हमको बिजी में कैसे करनी है, तो वो डायरेक्ट एंट्री ना करके हम उसको पार्ट पार्ट में समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो हमें ये जो हमारा सप्लायर है हमें उसका लेजर बनाना होगा। तो बस टैली में हम जिसको लेजर कहते हैं, हम बीजी में उसको अकाउंट बनाएंगे। जब आप बीजी की कंपनी को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आती है आपके सामने, और इस स्क्रीन में यह बीजी का मीनू बार है। मीनू बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, MS वर्ड में, एक्सेल में, इन सब चीज़ों में मीनू बार होता है। ये सारे उसके मीनू बार हैं, और इनमें सब अलग अलग मीनू हैं। जैसे यह हमारा कंपनी मेनू है, यह हमारा कंपनी मेनू है, यह एडमिनिस्ट्रेशन मेनू है, यह हमारा ट्रांजैक्शन मेनू है, यह हमारा डिस्प्ले मेनू है, और यह हमारा प्रिंट, ईमेल, SMS मेनू है। हर मेनू के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, और जिन ऑप्शन का प्रयोग हमें बार बार करना होता है उसको शॉर्टकट की के रूप में यहाँ बिजी सॉफ्टवेयर में राइट साइड में दे रखा है। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम रिप्रेजेंट हो रहा है, इस नाम से
हमारी कंपनी है और उसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर शो हो रहा है। कंपनी का GSTIN देखेंगे तो भी यहाँ पर बॉटम में रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, यह आपको करंट डेट बता रहा है, और यहाँ F10 का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेटर को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। जब सॉफ्टवेयर खुलता है तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। अगर आपको कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड हेल्प की वीडियो चाहिए तो आप इंटरनेट के जरिए यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर भी जाके सीख सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए क्लोज बटन यहाँ पर दे रखा है टॉप राइट कॉर्नर पर, ये मैक्सिमाइज बटन है और यहाँ पर उसका मिनिमाइज बटन दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर का एक बेसिक इंटरफेस। एक बार इंटरफेस को दोबारा समझते हैं। ये सारे इंटरफेस में यह सारा सॉफ्टवेयर का मेनू है, कंपनी मेनू, एडमिनिस्ट्रेशन मेनू, ट्रांजेक्शंस मेनू, डिस्प्ले मेनू, प्रिंट ईमेल मेनू, ये सारे उसके मेनू हैं। और राइट साइड में ये सारी शॉर्टकट कीज हैं जिनका इस्तेमाल हमें बार बार करना होता है। यहाँ पर हमारी कंपनी की लिस्ट दे रखी है और ये हमारा GSTIN दे रखा है। यहाँ पर हम कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, ये करंट डेट और टाइम दिखाएगा आपको, और यहाँ पर कैलकुलेटर है। इस तरीके से ये कंपनी का एक इंटरफेस का ओवरव्यू था। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद अब आज की क्लास का जो मेन मोटो था, हमें अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट का ग्रुप कैसे बनाना है, आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, आइटम ग्रुप कैसे किया जाता है, उस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इनवाइस को ओपन कर ले रहे हैं। इनवाइस को ओपन करने के बाद फर्स्ट में जो ये लक्ष्मी एजेंसीज है, ये हमारा सप्लायर है, तो हमें इस सप्लायर का एक अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति ये होती है, जब हम अकाउंट का नाम लेते हैं तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट को समझते हैं। तो आपको हम पहले से क्लियर बता दें कि अकाउंट एक अलग चीज़ है और बैंक अकाउंट एक अलग चीज़ है। जहाँ पर बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी वहाँ पर स्पेशली बोला जाएगा बैंक अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप अपने अकाउंट की बुक में अपने सप्लायर, अपने कस्टमर और बैंक का एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसे हमें कैसे बनाना होगा, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। चूंकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए इसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होगा, तो इसके लिए हमें बनाते हैं हम लोग। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद जब हम मास्टर्स पर आते हैं, तो मास्टर्स पे आने के बाद हमें यहाँ अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको तीन चीज़ें दिखाई देंगी। एडमिनिस्ट्रेशन मेनू के अंतर्गत, मास्टर के अंतर्गत अकाउंट में हमको तीन मेनू दिखाई देंगे। एक चीज़ें तो है ऐड, फिर मॉडिफाई और तीसरी चीज़ है लिस्ट। तो ऐड का इस्तेमाल किया जाता है किसी नए अकाउंट को बनाने के लिए, मॉडिफाई का इस्तेमाल किया जाता है किसी पहले से बने अकाउंट को में करेक्शन करने के लिए, उसमें एडिट करने के लिए हम मॉडिफाई ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं पहले से बने हुए जो अकाउंट हैं उनको देखने के लिए। तो बिजी सॉफ्टवेयर में सबसे बेटर चीज़ क्या है कि इसमें बहुत सारे अकाउंट पहले से क्रिएट करके दे दिए हैं कंपनी ने, जिससे आपको ढेर सारे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं हो। आपको याद होगा जब आपने टैली पढ़ा था तो टैली में हमने ये आपको बताया था कि टैली में दो अकाउंट पहले से क्रिएटेड होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा कैश का अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। लेकिन बीजी में दो के अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो ऑलरेडी कंपनी ने क्रिएट करके दे रखे हैं, जिससे यूजर को, ऑपरेटर को, अकाउंटेंट को चलाने में सुविधा मिले। तो कौन कौन से अकाउंट को देखने के लिए हम यहाँ लिस्ट ऑप्शन पर जाते हैं, और लिस्ट ऑप्शन पर जाने के बाद जैसे ही इंटर करते हैं तो ये हमसे पूछता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? कि ये जो हमारे अकाउंट हैं उसको हम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप उसको देख कर कहीं पर रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, देख कर पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रिंटर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको सिर्फ अपने स्क्रीन पर देखना है तो आप स्क्रीन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो
तो जैसे आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत आपको पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कन्फिगरल फॉर्मेट एंड ये भी कन्फिगरल, एक अल्फाबेटिकल है एक हायरार्किकल है। तो अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर जाना है। अब ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या सभी अकाउंट्स को देखना चाहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को, तो हम यहाँ पर ग्रुप ऑल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट हैं वो सारे अकाउंट यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे, ये सारे अकाउंट हमें यहाँ पर दिखने लगेंगे। कौन कौन से अकाउंट हैं, एक तो है एड सेट एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस, ठीक इस तरह देखेंगे तो आप बहुत सारे अकाउंट आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए बैंक चार्जेस दे रखा है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट में दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दे रखा है, इस तरह बहुत सारे अकाउंट हैं जो पहले से ही क्रिएटेड हैं और उन सारे अकाउंट को आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि CGST इनपुट आउटपुट भी आपका पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद तो इस तरह से हमने ये देखा कि अकाउंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से ग्रुप हमारे पहले से बने हुए हैं। तो अब हमको कोई नया ग्रुप बनाना है, जैसे अपने प्रोजेक्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट में हमें जो ग्रुप बनाना है वो लक्ष्मी एजेंसीज का स्टॉक बनाना है, लक्ष्मी एजेंसीज का अकाउंट बनाना है और उसको हम रखेंगे समरी क्रेडिटर के अंतर्गत। तो इसे नया बनाने के लिए हम ऐड के ऑप्शन पर जाएंगे और ऐड के ऑप्शन पर जाने के बाद इससे पहले हमें अपनी पार्टी का नाम लिखना होगा। तो हमारी पार्टी का नाम है लक्ष्मी एजेंसीज, तो यहाँ से हम लक्ष्मी एजेंसीज को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया और चूंकि यह हमारा सप्लायर है इसलिए हम इसको रखेंगे समरी क्रिएटर के अंतर्गत। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो कई बार बिजनेस में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम क्रेडिट पर अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं, मोस्टली बिजनेस में ऐसा होता है। तो लास्ट ईयर का जो बचा हुआ बैलेंस होता है वही हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, यानी पिछले साल 31 मार्च की डेट में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी क्लोज हुई थी उस समय लक्ष्मी एजेंसी से जो हमारा लेन देन था उसका जो बैलेंस बचा हुआ था, जो पेमेंट मुझे लक्ष्मी एजेंसीज को करना था वह अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर किसी कारणवश हमने लक्ष्मी एजेंसीज को एडवांस दे दिया है तो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर हमने लक्ष्मी एजेंसीज को लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक कुछ एडवांस पेमेंट दे रखा है तो उतना अमाउंट हमको डेबिट करना है। मान लीजिए कि 31 मार्च की डेट में हमने लक्ष्मी एजेंसीज का जब हमारा हिसाब किताब हुआ तो हमें ये पता चला कि हमें उसको 1500 रुपये एडवांस दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1500 रुपये डेबिट करेंगे। और अगर ये कन्फर्म हो जाए कि 1500 रुपये अभी हमें लक्ष्मी एजेंसीज को पेमेंट करना है, मेरे ऊपर ड्यू है, बकाया है, तब 1500 रुपये क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इसलिए इस ऑप्शन को हम स्कीप कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के अनुसार हम जो है एड्रेस कॉपी कर लिए हैं और कॉपी करके हम लोग केवल एड्रेस यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से बीजी में पेस्ट करेंगे। तो नियर RKB के शोरूम मोहद्दीपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और स्टेट में हमारा जो है उत्तर प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको और देना है, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ स्टेट के साथ POS भी लिखा है, तो यहाँ POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स नहीं है, यहाँ POS का मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कि हम कहाँ से गुड्स परचेज कर रहे हैं या कहाँ पर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। GST में जितना भी सेल और परचेज को सप्लाई बोला जाता है, खरीद लिया तो इनवर्ड सप्लाई, बेच दिया तो आउटवर्ड सप्लाई,
तो वही पूछ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और स्टेट लगभग लगभग एक ही चीजें हैं। तो इस तरीके से अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ डीलर, यानी डीलर का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, डीलर रजिस्टर्ड है कि नहीं, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है या यूआईएन होल्डर है। तो डीलर हमारा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अगर है तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है। तो ये डीलर का रजिस्ट्रेशन नंबर, हमने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। अब यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये सब चीज़ें कंपलसरी नहीं है। अगर आपको इनवाइस में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप इसको फिलअप करें, नहीं मिल रही है तो आप उसको छोड़ दें। तो आप देखें तो यहाँ इनवाइस में ना तो आधार नंबर मेंशन है, ना ही उनका ईमेल एड्रेस मेंशन है, और ना ही मोबाइल नंबर मेंशन है। तो आप इन सारे ऑप्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाएं। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हम किस ट्रांसपोर्ट के जरिए इनसे गुड्स परचेज करें, तो ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो अभी जस्ट हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अभी इन सारे ऑप्शन को हमें टच नहीं करना है। अभी हम सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हैं बीजी में। जहाँ जहाँ पर हमको एडवांस अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो आगे की क्लास में लोग देखेंगे। तो यहाँ सब कुछ करने के बाद अब आपको ज़रूरत है तो सेव करने की। तो सेव करने के लिए यहाँ पर बटन दे रखा है सेव का, आप सेव के बटन पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की F2 का प्रयोग करें। तो जैसे कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करेंगे तो F2 आपसे पूछेगा सेव द मास्टर, अब आप इंटर कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा याद रखनी कि बीजी में अगर हमें कुछ भी चीज़ें सेव करनी है तो टैली में हम क्या करते थे, कंट्रोल ए प्रेस करते थे, लेकिन बीजी में क्या प्रेस करेंगे, F2 इंटर। ठीक, जैसे F2 प्रेस करेंगे तुरंत सेव करने के लिए पूछेगा आर यू रेडी फॉर सेव, तो आप उसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो तो हम लोग जान गए। अब अगली चीज हम लोग का क्या है, ग्रुप हम लोग कैसे बनाते हैं उस चीज के बारे में। तो ग्रुप बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, स्केप से वापस जाएं और यहाँ पर हम अकाउंट ग्रुप में जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि जैसे कोई भी लेजर अगर हमने बनाया है या पहले से बनाया है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम मॉडिफाई के ऑप्शन पर जाएंगे, फिर उस लेजर को सर्च करेंगे जिसको हमको मॉडिफाई करना है। तो अभी हमने लक्ष्मी एजेंसीज का बनाया था तो हम लक्ष्मी एजेंसीज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये दोबारा हमको ओपन हो गया, अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशन हमको करना है, मान लीजिए कि एड्रेस गलत हो गया या ओपनिंग बैलेंस हमको भरना है या GSTN नंबर गलत हो गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से सेव कर सकते हैं या F2 का इस्तेमाल कर। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने सीट पर। और वापस आने के बाद अब हम लोगों को ये समझना है कि अकाउंट के ग्रुप को कैसे बनाते हैं। लिस्ट मैंने आपको पहले, ऐड का मतलब नया बनाना, मॉडिफाई का मतलब एडिटिंग करना, और लिस्ट का मतलब होता है देखना, जो पहले से बने उनको देखना। सेकेंड चीज हम लोगों को जानना है अकाउंट ग्रुप कैसे बनेगा, अकाउंट ग्रुप में आकर हम ऐड करते हैं। चलिए एक अकाउंट ग्रुप मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमारे ऊपर जितने भी बकाया राशि है हम चाहते हैं कि उसको एक ग्रुप में मेंशन कर सकें, जिससे हम कभी भी ये जान सकें कि हमारे बिजनेस पर लायबिलिटी कितनी है। हमें रूम का रेंट देना है, वो मेरी लायबिलिटी है, स्टाफ को सैलरी देना है, मेरी लायबिलिटी है, अपने सप्लायर से उधार माल खरीदा है उसका पेमेंट करना मेरी लायबिलिटी है। अब ये सारी लायबिलिटी मेरी अलग 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 अकाउंट में है, हम चाहते हैं कि सारे अकाउंट हमारे एक जगह आ जाएं, कि एक क्लिक करने पर हमको पता चल जाए कि कितना पैसा मुझे बकाया है, कितना पैसा मुझे देना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, सबके यहाँ अलग अलग कोचिंग करते हैं, अलग अलग फीस देते हैं। अब कंप्यूटर में आपकी फीस 500 रुपये बाकी है, और कॉमर्स में आपकी फीस 1,000 रुपये बाकी है, फिजिक्स भी अगर आप पढ़ते हैं उसकी फीस 1,500 बाकी है। तो अगर आपको ये जानना हो कि मेरे ऊपर मुझे अभी कितनी फीस देनी है जिससे मैं अपने पिताजी से फीस ले सकूं,
तो उसके लिए क्या है, आप सबको जोड़ते हैं कि कंप्यूटर का 500, अकाउंट्स का 1000, इसका 1000 मिला के 2500। तो ये काम आपको मैनुअली करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये काम हम सॉफ्टवेयर में आसानी से करना चाहें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे हेड हैं एक्सपेंस के, बिजली का बिल बाकी है, स्टाफ को सैलरी देना बाकी है, मकान का किराया बाकी है, टेलीफोन का बिल बाकी है, इंटरनेट के चार्जेज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइबिलिटी के रूप में आपके ऊपर रहती हैं। उन सबको एक जहाँ कलेक्ट करने के लिए एक ग्रुप हम बनाते हैं, और वो ग्रुप है हमारा आउटस्टैंडिंग ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो जनरेट हो गए हैं बट उसको मैंने पेमेंट नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या यह प्राइमरी ग्रुप है, क्या यह प्राइमरी ग्रुप है। तो अगर आप प्राइमरी कर देंगे तो एट इज सेव हो जाएगा, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, ये मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसलिए हम इसको वाई प्रेस करके यस करेंगे, सॉरी एन करेंगे। एन करने के बाद अब हम सी प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज भी दिखेगी, और दिखने के बाद हम फिर इसको इंटर करके सेव कर लेंगे। तो इस तरह एक ग्रुप हमने बना लिया। अब ग्रुप को देखना है तो मॉडिफाई पर जाएं, और जैसे यहाँ पर आप ओ प्रेस करेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने आप आपको देखने लगेगा। ठीक है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो बिजनेस में हमारे चार ही ग्रुप हैं, बाकी सब उसके सब ग्रुप हैं। चार ग्रुप क्या हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, एसेट्स हो गए, लाइबिलिटी हो गए, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये चार ही ग्रुप हैं, बाकी सब उसके सब ग्रुप हैं। तो चलिए अब हम लोगों को अकाउंट अगर कोई भी नया बनाना है ग्रुप तो ऐड पे जाएंगे, पुराने को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पर जाएंगे, और देखना है तो लिस्ट पर क्लिक करके स्क्रीन पर जाएंगे। जितने भी ग्रुप बीजी में पहले से बने हुए हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आज की डेट में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस शीट आपके सामने भेज दी गई है ग्रुप में, आप उस प्रैक्टिस शीट को निकालें। प्रैक्टिस शीट का मतलब ये फाइल जिससे हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ये इनवाइस, ये आपको भेजा जा चुका है। आप इसे देख के चीज़ों को क्रिएट करें, क्रिएट करके इसको समझें, और उसके बाद फिर उसके बाद आपको एक नई कंपनी बना के उसकी दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी नॉलेज होगी। अब हम लोग को ये समझना है कि बिजी में स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं, स्टॉक के ग्रुप को कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक आइटम को कैसे बनाना है और स्टॉक के ग्रुप को कैसे बनाना है।